नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे एक फ्रेंड ने बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा। वो कह रहे थे कि अगर मुझे मेरे पास 1 लाख रुपए का चेक है जो किसी मेरी पार्टी ने दिया है और उसमें से उसने 20 हज़ार रुपये का पेमेंट कर दिया है, तो क्या मैं उस चेक को प्रेजेंट कर सकता हूँ या नहीं, या मुझे क्या एहतियात बरतना चाहिए अगर मैं उस चेक को प्रेजेंट करके बाकी पैसे की डिमांड करने का, बाकी पैसे रिकवर करना चाहता हूँ। एग्जैक्ट यही एक क्वेश्चन था 11 अक्टूबर 2022 को एक सुप्रीम कोर्ट के डिवीज़न बेंच के सामने, जिसमें जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ थे और जस्टिस हिमा कोहली थी। और उन्होंने जो क्वेश्चन फ्रेम किया था कि क्या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ऑफेंस कमिट हुआ माना जाएगा अगर जो डिसऑनर्ड चेक है वो जिस दिन प्रेजेंट किया उस दिन की इन्फोर्सिएबल लाइबिलिटी को नहीं दिखाता है, जो इनकैशमेंट के समय जो लाइबिलिटी है वो उसको नहीं दिखाता है। जजमेंट लिखा है डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने, और ये बहुत बढ़िया लिखा हुआ जजमेंट है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ के इसके लीगल प्रोविज़न और जजमेंट के कंटेंट्स, जजमेंट से जुड़ी हुई बातों को बताऊं, पहले थोड़ा फैक्ट्स बता देता हूँ। दशरथ भाई पटेल एक लोन देते हैं 20 लाख रुपये का हितेश पटेल को, और जिसमें सिक्योरिटी के तौर पर वो 20 लाख रुपये का चेक ले लेते हैं। बाद में वो लोन रिपेमेंट नहीं होता है, वो चेक प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद नोटिस देते हैं, फिर मुकदमा फाइल करते हैं। ट्रायल कोर्ट जो हितेश पटेल को जो मुलजिम होता है उसको बरी कर देती है और केस को डिसमिस कर देती है। उसका ये कहना होता है कि जब चेक इशू किया गया और उसके बाद में चेक प्रेजेंट किया गया, इसके बीच में हितेश पटेल ने 4 लाख रुपये का पेमेंट ऑन अकाउंट कर दिया था उस चेक के एवज में, और ये चीज़ जो डिमांड नोटिस भेजा गया उसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए ये नोटिस बैड हो गया और ये जो पूरी प्रोसेस है 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत उसमें ऑफेंस नहीं बनता है। उसके बाद जो कंप्लेनेंट है वो हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट जाते हैं, गुजरात हाईकोर्ट भी इस केस को डिसमिस कर देता है। उसका ये कहना है कि जो डिमांड नोटिस था वो इनवैलिड है क्योंकि वो जितना अमाउंट उस दिन ड्यू था उससे ज़्यादा का डिमांड नोटिस था। बस इनफैक्ट वो डिमांड नोटिस चेक अमाउंट का था, 20 लाख का था। और अल्टीमेटली मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में ये क्रिमिनल अपील नंबर है 1497/2022 और इस केस का नाम है दशरथ भाई टीकम भाई पटेल वर्सेज हितेश महेंद्र भाई पटेल। और ये जजमेंट बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ जजमेंट है क्योंकि नॉर्मली कंप्लेन बड़े अपने आप को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाता है अगर उस तरह का पार्ट पेमेंट आया हुआ होता है। तो क्या रास्ता है जिसके ज़रिए कंप्लेनेंट इस पिक्यूलियर सिचुएशन से बाहर आ सकता है और अपने बचे हुए डेट को रिकवर कर सकता है? इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको एक लीगल पॉइंट बताऊँ। लीगल पॉइंट है कि 138 में जिस डेट और अदर लायबिलिटी की बात की जाती है 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, वो अपने एक्सप्लानेशन में उसी प्रोविज़न में क्लियर कर दिया गया है कि वो लीगली इन्फोर्सिएबल डेट और अदर लायबिलिटी होने चाहिए। यहाँ पे जो एक्सप्लानेशन है वो क्वांटिफाई कर दिया कि डेट तो है लेकिन उसका लीगली इन्फोर्सिएबल होना चाहिए। तो जो डिमांड नोटिस आप भेजा जाता है 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत, वो आपको जिस दिन डिमांड नोटिस भेजा जा रहा है उस दिन का लीगल डेट होना चाहिए, लीगली इन्फोर्सेबल डेट होना चाहिए। अब जो पहले मैंने कहा था, मेरे फ्रेंड ने जो क्वेश्चन रेज किया था वो बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन था, क्योंकि बड़ा ही जेन्युइन अप्रेहेंसन है कि भाई मेरा अब 1 लाख रुपए का चेक है, 20 हज़ार की पेमेंट आई हुई है, 80 हज़ार फिर भी फंसा हुआ है, अगर चेक हम प्रेजेंट करें तो वो ज़्यादा का हो जाएगा, तो इसका वे आउट क्या है? तो इसका आंसर है सेक्शन 56 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसमें इंडोर्समेंट के प्रोविज़न है कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के तहत कुछ पेमेंट आ गया और बचा हुआ पेमेंट का वो इंडोर्समेंट कर दिया जाए तो वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड हो जाता है। तो इसके लिए दो स्टेप्स जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता दूं, जिससे कि फ्यूचर में जब भी कोई कंप्लेनेंट है और उसके पास चेक पड़ा हुआ है और वो उसके बीच में पार्ट पेमेंट आ गया तो उसे क्या करना चाहिए। तो पहला स्टेप तो ये है कि सेक्शन 56 और सेक्शन 15 में नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में प्रोविज़न है कि इंडोर्समेंट का, कि चेक के पीछे आप ये इंडोर्समेंट कर दें कि बचे जो पार्ट पेमेंट आया हुआ है उसके बारे में, या उसका एक नोट चेक के साथ लगा दें
कि इतना पेमेंट चेक अमाउंट है और इतना पेमेंट आया हुआ और इतना ड्यू है, तो वो वैलिड हो जाता है। और अगर वो चेक अनइंडोर्स्ड है और उसको प्रेजेंट कर दिया गया, तो फिर उसमें 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो ऑफेंस है वो नहीं बनता है, वो अट्रैक्ट नहीं होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इसमें यह है कि इंडोर्समेंट के अलावा भी जब आप डिमांड नोटिस रेज कर रहे हैं, तो उसमें स्पेसिफिक मेंशन होना चाहिए कि कितना पार्ट पेमेंट आया हुआ है और आज की डेट में आपकी जो लेनदारी है, जो आप डिमांड कर रहे हैं पैसा, वो एग्जैक्टली कितना बनता है। इन दो स्टेप से जो चेक है उसका यूज़ किया जा सकता है। और उसके बाद भी अगर वो ये डिसऑनर हो जाता है चेक, तो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ऑफेंस बनता है और उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। इस ऑब्जर्वेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो कंप्लेनेंट ने अपील फाइल करी थी उसको डिसमिस किया, क्योंकि उसका ये कहना था कि ना ही तो कंप्लेनेंट ने अपने चेक पे इंडोर्समेंट किया था सेक्शन 56 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत, और ना ही नोटिस देते वक्त अमाउंट को स्पेसिफाई किया था, इसलिए उसका जो ऑफेंस 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत नहीं बनता है, और उसने जो ट्रायल कोर्ट ने एक्विट किया था उसको अपहेल्ड किया। तो ये एक इस तरह के कॉमन प्रॉब्लम का पता हमें चलता है जब आप हमसे इंटरेक्ट करते हैं। इसलिए आप इंटरेक्ट ज़रूर कीजिए, अपने कमेंट सेक्शन में जाकर अपने जो किसी भी वीडियो से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको आप पढ़िए, देखिए और उस पर अपना डिस्कस कीजिए, अपने इश्यूज़ को डालिए, जिससे कि मैं फिर रिसर्च करके खुद को भी फ़ायदा पहुंचाऊं और आपको भी फ़ायदा पहुंचाऊं उस मुद्दे पे डिस्कस करके। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा ये सिलसिला जो लेटेस्ट जजमेंट के ज़रिए आपके मुद्दों को सुलझाने का है वो चलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।